हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर कर रहे हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। और इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक चल रहा है डिस्काउंट। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों को डिस्कस किया। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। और प्रीवियस वीडियो में ही ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा मैंने उसका न्यूमेरिकल पार्ट आपको बताया, डिस्कस किया हमने। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कैश डिस्काउंट। स्टूडेंट, कैश डिस्काउंट में भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। आज कैश डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शंस को ही मैं डिस्कस करूंगा। रिमेनिंग जो ट्रांजैक्शंस होंगी उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया हुआ है कि जो ट्रेड डिस्काउंट है एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस पर अलाउ किया जाता है विद अ स्पेसिफिक परसेंटेज, और हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जबकि कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। जब भी कैश पेमेंट की जाती है उस समय ये डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा होता है, और कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश डिस्काउंट एक्सपेंस है, इनकम भी हो सकती है। ये चूंकि नॉमिनल अकाउंट है हम इसको बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। कैश डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग क्या होगी उसको समझने के लिए पहले मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्काउंट जो अलाउ किया जाता है, हम कैश डिस्काउंट को कर रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जब अलाउ किया जा रहा होता है कब, व्हेन, एट द टाइम ऑफ कैश रिसीव। ओके, कैश जब रिसीव हो रहा होता है तो डिस्काउंट अलाउ किया जाता है, और जब कैश पेड किया जाता है तो डिस्काउंट रिसीव किया जाता है। मैंने बताया आपको कि कैश डिस्काउंट ऑलवेज कैश ट्रांजैक्शंस के समय होगा। एट द टाइम ऑफ कैश डिस्काउंट आइदर वी आर रिसीविंग कैश और वी आर पेइंग टू कैश। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमने डिस्काउंट अलाउ किया होगा, और कैश अगर पे किया है तो डिस्काउंट हमने रिसीव किया होगा। जैसे अगर हमने इमीडिएट पेमेंट करी तो बिकॉज इमीडिएट पेमेंट करने के कारण जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो हमको कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है, मींस हमने डिस्काउंट रिसीव किया और पेमेंट करी। इसी तरह से जब हम कैश रिसीव कर रहे होते हैं तो इमीडिएट तुरंत अर्ली पेमेंट रिसीव करने पर हम डिस्काउंट ऑफर करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ये पेयर है कि डिस्काउंट अलाउ कब होगा, व्हेन बिजनेस रिसीव्स कैश, और डिस्काउंट रिसीव कब होगा, व्हेन बिजनेस पेड कैश। अब स्टूडेंट, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है,
और कैश अकाउंट जब रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का नियम डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर हम कैश रिसीव कर रहे हैं मींस कैश हमारे पास आ रहा है तो हम लोग कैश को क्या करेंगे डेबिट। ओके अब यहां डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया तो डिस्काउंट हमारे लिए क्या है नॉमिनल अकाउंट, और डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं इट मीन इट्स एन एक्सपेंस फॉर अस, एक्सपेंस फॉर बिजनेस, और एक्सपेंस को क्या किया जाता है नॉमिनल अकाउंट के रूल्स के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउ किया तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस होने के कारण हम इसको डेबिट करते हैं। ओके इसका मतलब क्या हुआ कि कैश रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउ का पेयर है, दोनों एक साथ मिलेंगे। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो कैश भी रिसीव किया जा रहा होगा, ये होगा हमेशा होगा। अगर डिस्काउंट अलाउड है तो कैश होगा ही, और यहां पर जब कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट। इसका मतलब हुआ कि ट्रांजैक्शन में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, अगर डिस्काउंट है तो। इसी तरह से यहां पर कैश पेड मीन्स जब कैश पे किया तो कैश हमारे पास से जा रहा है, और जब कैश जा रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ रियल अकाउंट, जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट, कैश पे किया कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट किया। और डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम एंड इनकम शुड बी क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है, इनकम होने के कारण हम उसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ये और ये एक्सपेंस है। तो हमको क्या पता चला कि यहां पर अगर किसी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट है तो उसके साथ कैश भी होगा, और जब कैश है तो ये पेयर है कैश पेड और डिस्काउंट रिसीव्ड का पेयर है, इट मीन कैश पेड जब क्रेडिट हुआ तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्रेडिट हुआ, तो दोनों क्रेडिट। इसी तरह से कैश जब रिसीव किया तो डिस्काउंट अलाउड होगा, कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट होगा और डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट होगा। तो यहां ये सब मैंने जो समझाया आपको, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कैश ट्रांजैक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल कैश के साथ डिस्काउंट होगा, ठीक है, अगर डिस्काउंट है तो कैश होगा, इट मीन ट्रांजैक्शन में कैश भी अफेक्ट हो रहा है डिस्काउंट भी अफेक्ट हो रहा है, तो कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कैश डेबिट हो रहा और डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा हो, या कैश क्रेडिट हो रहा और डिस्काउंट डेबिट हो रहा है, नो ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपको कुछ ट्रांजैक्शंस के थ्रू कैश ट्रांजैक्शंस और कैश डिस्काउंट की ट्रांजैक्शंस को क्लियर कर रहा हूं, आप नोटिस करिएगा। मैंने आपको बताया शुरू में वीडियो के कि कैश डिस्काउंट से रिलेटेड बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। In this video, we are just discussing transactions related to cash discount at the time of purchase and sale of goods. At the time of purchase and sale of goods. Okay? Transactions लेते हैं students हम लोग। हमने एक transaction ली, goods purchased of rupees 1 lakh at 5% cash discount. Okay? Goods purchase of rupee 1 lakh at 5% cash discount. अब यहां इस ट्रांजेक्शन में
कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? गुड्स परचेज मींस कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट। देन ट्रांजैक्शन कैसी है? क्योंकि किसी पार्टी का नाम नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगी, तो एक दूसरा अकाउंट जो अफेक्ट हुआ वो कैश अकाउंट। और यहां पर आपको बताया कि एट 5% कैश डिस्काउंट, तो डिस्काउंट भी अफेक्ट हो रहा है। तो तीसरा जो अकाउंट अफेक्ट हुआ यहां पे डिस्काउंट, तो तीन अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। अब यहां पर तीनों के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट और कौन सा अकाउंट क्रेडिट। परचेज अकाउंट सोचने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया हुआ है कि परचेज ऑलवेज डेबिट होता है। गुड्स को परचेज कर रहे हैं, परचेज डेबिट होगा। ओके, तो परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट कर दिया। कितने का गुड्स परचेज किया? ऑफ रूपी 1 लाख। गॉट इट? नाउ दो अकाउंट कैश और डिस्काउंट। अब इनको बिकॉज जब गुड्स परचेज किया और फिर कैश परचेज किया तो कैश तो हम पे कर रहे होंगे ना, जब कैश पे कर रहे हैं तो कैश डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, और जब कैश जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब कितने से? जस्ट वेट, 1 लाख का गुड्स परचेज किया तो हम उसको 1 लाख पे नहीं कर रहे अब। व्हाई? बिकॉज वी आर परचेजिंग गुड्स एट 5% कैश डिस्काउंट। मींस अगर हमने इमीडिएट पेमेंट करी तो हम लोगों को 1 लाख रुपए पे नहीं करना है, 1 लाख लेस 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट को लेस कर पे करना है। तो 5% ऑफ 1 लाख 5000, तो 5000 हमने कम पे किया, हमको डिस्काउंट मिला, हमने डिस्काउंट रिसीव किया। अब यहां पर कैश कितना क्रेडिट होगा? 95000। गॉट इट? देन टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5000। स्टूडेंट यहां पर आपने नोटिस किया, मैंने बताया था कि अगर कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट, तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। और आप देख रहे हैं आपको नियम लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट है तो कैश को देख लीजिएगा, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, और आपने देखा। गॉट इट? तो इस तरह से हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, ये गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड। इसी तरह से गुड्स को अगर सेल किया तो भी ट्रांजैक्शन, इसी तरह से सेल जब कर रहे होंगे और डिस्काउंट है तो उस केस में डिस्काउंट हम लोग अलाउ करेंगे। ट्रांजैक्शन देखिएगा, एक और ट्रांजैक्शन के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 50,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। गुड सोल्ड ऑफ रुपी 50,000 एट 2% कैश डिस्काउंट। ओके, गुड सोल्ड कौन सा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है? सेल्स अकाउंट। देन किसी पार्टी का नाम नहीं है और कैश डिस्काउंट दिया तो ट्रांजैक्शन कैश, तो सेकेंड एक अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा होगा? कैश अकाउंट। और चूंकि कैश डिस्काउंट है तो एक थर्ड अकाउंट कौन सा अफेक्ट हो रहा है? कैश डिस्काउंट। अब कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो आपने पॉइंट आउट कर लिया। नाउ इन एंट्री विच अकाउंट शुड बी डेबिट एंड विच अकाउंट शुड बी क्रेडिट। यहां सेल्स अकाउंट, ऑलवेज सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, आप सेल्स अकाउंट को
क्रेडिट किया, कितने का गुड सेल किया ऑफ रुपी 50,000, 50,000 से सेल्स को क्रेडिट। अब जब हमने 50,000 का गुड सेल किया तो हम लोगों को 50,000 रिसीव होना चाहिए, बट बिकॉज डिस्काउंट है तो हम लोग 50,000 रिसीव नहीं कर रहे होंगे, कैश हमको आफ्टर डिस्काउंट मिलेगा। अब डिस्काउंट कितना 2%, सो 2% ऑफ 50,000 1,000, तो 1,000 डिस्काउंट हमने ऑफर किया, अलाउ किया, तो 50,000 जो रिसीव होना था 50,000 में 1,000 तो हमने डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो हम लोगों को नेट कैश कितना मिला 49,000, तो कैश अकाउंट डेबिट 49,000 एंड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,000। ओके, यहां पर डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर सकते। तो इस तरह से ट्रांजैक्शन आपने देखा कि यहाँ पर कैश रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। मींस मैंने जो आपको बताया बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट है तो कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा। ओके स्टूडेंट, टेक वन मोर एग्जाम्पल। ट्रांजेक्शन कैश डिस्काउंट में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट और ऑन और बिफोर स्पेसिफिक डेट, कि एक पर्टिकुलर डेट को या उस डेट से पहले अगर पेमेंट कर देता है तो कैश डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। यहां जो अभी मैंने दो एग्जाम्पल लिए दोनों में इमिडिएट पेमेंट हो रही थी और डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा था और रिसीव किया जा रहा था, बट कुछ ट्रांजैक्शंस में ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स को जो परचेज और सेल किया जा रहा हो वो इस टर्म्स पर, इस कंडीशन पर सेल किया जा रहा होगा कि इफ यू आर पेइंग, यू आर पेड कैश विद इन स्पेसिफिक डेट देन यू विल बी एंटाइटल्ड टू गेट द डिस्काउंट। टेक सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, जनवरी फर्स्ट एक ट्रांजेक्शन आपको दी, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 50,000। ओके, गुड्स सोल्ड टू राम ऑफ रुपीज 50,000 एट 2% कैश डिस्काउंट if payment made within 7 days। okay, goods sold to Ram of rupees 50,000, Ram को 50,000 का goods sale किया है at 2% cash discount और on terms of this cash discount at the rate of 2% if payment made within 7 days। ओके, गॉट इट। और यहां पर ट्रांजेक्शन जनवरी 5th को और जनवरी 6th को एक ट्रांजेक्शन दी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम आफ्टर डिस्काउंट, आफ्टर डिस्काउंट। यहां पर कैश रिसीव फ्रॉम राम, अगर ये लाइन ना भी लिखी होती कि आफ्टर डिस्काउंट, तो भी यहां पे पता चल रहा है बिकॉज जनवरी 1st इस शर्त पर बेचा कि विद इन 7 days अगर पेमेंट कर देता है तो 2% डिस्काउंट का वो एंटाइटल होगा। यहां पर बिकॉज विद इन 7 days 5th जनवरी को पेमेंट हो रही है, within 7 days payment हो रही, then Ram is entitled to get discount। तो इन दोनों transactions में recording क्या होगी, January 1st को जो हम लोग entry बनाएंगे, Ram को sale किया, ये credit sale है, Ram account debit to sales with rupee 50,000।
थाउजेंड, ओके 50,000 से। एंड जनवरी फिफ्थ को बिकॉज विद इन 7 days पेमेंट हो रही है, देन राम इज एंटाइटल टू गेट डिस्काउंट। तो यहां पर जब हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे होंगे राम से, कैश अकाउंट डेबिट, देन डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू राम। राम ने हमको पेमेंट करी, राम ने हमको पे किया और हमने राम को डिस्काउंट अलाउ किया। तो राम चूंकि 50,000 से डेबिट हुआ, राम को 50,000 से हम क्रेडिट करेंगे, देन कैश को कितने से डेबिट करेंगे, बिकॉज 2% डिस्काउंट को लेस करने के बाद जो नेट फिगर आई वो उसने पे करी होगी। तो 50,000 का 2% 1,000 लेस किया, 49 उसने पे किया, तो 49,000 हमने कैश रिसीव किया। और 1,000 बिकॉज हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो वो 1,000 डिस्काउंट जो अलाउ किया, ऑफर किया, दैट इज एक्सपेंस फॉर अस, और एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं, इसलिए 1,000। तो डिस्काउंट यहां पर आपने देखा कि ट्रांजेक्शन को परचेज सेल के समय नहीं है बल्कि पेमेंट के समय, क्योंकि पेमेंट उसने बाद में की है उस टाइम के बाद, तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट डिस्काउंट है। और इसी ट्रांजेक्शन में मान लीजिएगा कि यहां जनवरी 5th की जगह पर जनवरी 10th को पेमेंट कर रहा होता, तो क्या यही एंट्री बनती? नो, उस केस में डिस्काउंट का वो एंटाइटल नहीं होता। व्हाई? बिकॉज जो शर्त है विद इन 7 days, तो 10th जनवरी को अगर पेमेंट की जा रही है तो 7 days एक्सीड कर गए हैं, ठीक है, 7 days एक्सीड कर गए, तो उस केस में डिस्काउंट नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, इसी में और भी ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, जैसे गुड्स को परचेज और सेल करने के समय ही ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों हो सकते हैं। अगर दोनों डिस्काउंट एक साथ है तो पहले हम लोग ट्रेड डिस्काउंट को लेस करेंगे, देन कैश डिस्काउंट को। डेटर से पेमेंट रिसीव करते समय, क्रेडिटर्स को पेमेंट करते समय डिस्काउंट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं डिस्काउंट की। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनको हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।